दोस्तों, हमारी कोई भी एक्टिविटी, फिर चाहे वो हमारा कोई पर्सनल पोस्ट हो, प्रोफेशनल पोस्ट हो, या फिर हमारा यूट्यूब चैनल ही क्यों ना हो, उसको प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया से अच्छा प्लेटफॉर्म हमें और कहाँ मिलेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने सोशल मीडिया के लिंक्स को अपने यूट्यूब चैनल के चैनल आर्ट पर बड़ी ही आसानी के साथ अटैच कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण आप सभी के टेक्निकल वीटू में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने YouTube चैनल के ऊपर अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लिंक्स को अटैच कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये लिंक्स कहां पे अटैच होते हैं और ये कैसे दिखाई देते हैं और ये काम कैसे करते हैं। तो जैसे ये देखिए, ये हमारा टेक्निकल बिट्टू चैनल का पेज है, होम पेज, जिसपे कि ये हमारी जो चैनल आर्ट है उसके ठीक नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे मेरे तीन लिंक्स। पहला फेसबुक पेज का, दूसरा है सब्सक्राइब हेयर के बटन का और तीसरा है ब्लॉगर का। तो ये वो लिंक्स हैं जिनको अटैच करने की मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। चलिए मैं दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करते हैं। जैसे ये मेरे फेसबुक पेज का लिंक है, तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मुझे मेरे फेसबुक पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। अब इसी तरह जैसे ये मेरे ब्लॉगर का लिंक है, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे मेरे ब्लॉगर पर रिडायरेक्ट कर देगा। देखिए, ये मेरा फेसबुक पेज है जो मैंने अपने चैनल के लिए बनाया है, उस लिंक पर क्लिक करते ही हम डायरेक्टली अपने इस पेज पर आ चुके हैं। अब उसी तरह अगर मेरा ब्लॉगर आप देखेंगे तो ये मेरा ब्लॉगर है, यानी कि ब्लॉग है जो मैंने चैनल के लिए बनाया है। देखिए, इसमें मेरे सारे वीडियोज़ ऑलरेडी पड़े हुए हैं विद माई सिग्नेचर। तो इन लिंक्स का ये फ़ायदा होता है कि कोई भी व्यूअर डायरेक्टली आपके चैनल पे जो विज़िट करता है, तो वहीं से आप वो आपके किसी भी फेसबुक पेज या ब्लॉगर या फिर कहें कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर रीडायरेक्ट हो सकता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इन्हें क्रिएट कैसे करते हैं, या फिर बोलूँ कि अपने चैनल में कैसे अटैच करते हैं। तो ये मेरा एक चैनल है पुराना, स्टूडेंट सर्किल का, इसमें मैं आपको अपने उन लिंक्स को अटैच करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन दिया, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे रहा है, पहला एडिट लिंक्स, दूसरा एडिट चैनल आर्ट। तो हमें एडिट लिंक्स पे जाना है क्योंकि हमें यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि लिंक्स को अटैच करना है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एडिट लिंक्स पे। देखिए, हमारा इंटरफेस खुल गया जहाँ पे हमें अपने लिंक्स को एडिट करके अटैच करना है। इस पेज पर आने के लिए डायरेक्टली हम अपने अबाउट पे भी क्लिक करते तो भी यहाँ पे आ जाते। सिंपली सबसे लास्ट में देखिए लिंक्स दे रहा है, इसमें इसके नीचे देखिए कस्टम लिंक्स में लिखा हुआ है ओवरले फर्स्ट 5 कस्टम लिंक्स ऑन चैनल आर्ट। मतलब हम एक चैनल आर्ट पे केवल 5 लिंक्स ही अटैच कर सकते हैं एक साथ। तो यहाँ पे देखिए नीचे लास्ट में ऐड का बटन दिखा रहा है, तो हम सिंपली ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे पहले हमसे कह रहा है कि लिंक टाइटल डालिए, और वो भी मैक्सिमम 30 करेक्टर्स, मतलब 30 करेक्टर से ज़्यादा का आपका टाइटल नहीं होना चाहिए। सेकेंड में उसका URL डाल दीजिए। तो जैसे कि ये मेरा YouTube चैनल है टेक्निकल बिट्टू, मैं इसका लिंक यहाँ से कॉपी करता हूँ, उसके बाद URL में जाके उस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं टाइटल डाल देता हूँ, जैसे मैं इसे कर देता हूँ सब्सक्राइब हेयर। उसके बाद देखिए, मैं इसे आपको डन करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं डन पे क्लिक करूँगा, देखिएगा सब्सक्राइब हेयर का जो बटन है वो मेरे चैनल आर्ट में अटैच हो जाएगा। देखिए, ये अटैच हो गया। अब अगर हमें इसमें और लिंक अटैच करने हैं तो सिंपली हम यहाँ पे आएंगे। अब ये देखिए एडिट का ऑप्शन में फिर से क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए फिर से ये दे रहा है ऐड। तो जब ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये दूसरा लिंक अटैच करने के लिए खुल गया। तो मैं इसे यहाँ से अपने ब्लॉगर का लिंक इसमें अटैच कर देता हूँ। इसको कॉपी किया, सिंपली URL में प्लेस पेस्ट किया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्लॉग। फिर मैं तीसरा लिंक में अटैच कर देता हूँ अपने फेसबुक पेज का। यहाँ से मैंने अपने फेसबुक पेज का लिंक कॉपी किया, उसको यहाँ URL में अटैच किया और यहाँ पे लिख दिया फेसबुक। अब यहाँ पे मैंने डन कर दिया। अब देखिए, डन करते ही मुझे तीनों लिंक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह देखिए मेरे चैनल आर्ट पे भी तीनों लिंक आके अटैच हो चुके हैं। यहाँ पे हमें इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि जिस लिंक को हमें प्रेफरेंस देनी है उसे हमें सबसे पहले अटैच करना होगा,
देखिए, जैसे मैंने सब्सक्राइब हेयर को पहले अटैच किया था तो वो यहाँ पर ज़्यादा हाइलाइटेड और काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। बाकी दोनों लिंक जो हमने बाद में अटैच किए थे वो देखिए काफ़ी छोटे नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए जिस लिंक को हमें प्रिफ्रेंस देनी है या जिस लिंक पे हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स ज़्यादा जाए डायरेक्टली रिडायरेक्ट होके, उस लिंक को हमें पहले इसमें अटैच करना होगा। तो इस तरह हम अपनी चैनल आर्ट पे अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लिंक को अटैच कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव आपके मन में है तो उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन को हिट करके उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।